हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड के जॉम्बी ओरिजिन कॉमिक सीरीज में। अगर आपने इससे पहले जॉम्बी ओरिजिन एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखा तो देख लो, इसकी लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगी। इसके बिना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आने वाली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जॉम्बी रेड अल्टीमेट रेड को बता रहा था कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ। वो बता रहा था कि इस सब की शुरुआत हुई आसमान में एक बिजली कड़कने के साथ। किसी को नहीं पता इसकी वजह क्या थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि एक पंच था। क्या वो इन्फेक्शन इतना ताकतवर था कि वो अपना खाना ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया? और मैं कहता हूँ नहीं। सबसे पहले उस जगह गए द एवेंजर्स, जहाँ कर्नल अमेरिका ने सबको ये कहा कि सब कुछ ठीक है, अब सुपर हीरोज आ चुके हैं। पर क्या वो नहीं जानता था कि यह इन्फेक्शन इस डायमेंशन को तबाह करने वाला है, और यह इससे पहले भी हजारों रियलिटी के सुपर हीरोज को तबाह कर चुका है। तब हमें दिखता है सेंट्री, जो कि इन्फेक्टेड था, और वो कर्नल अमेरिका को काट लेता है। और जॉम्बी रेड आगे बताता है ऐसे उस इन्फेक्शन की शुरुआत हुई, और ऐसे ही इन्फेक्टेड हुआ कर्नल अमेरिका, और उसी के साथ बाकी लोग इन्फेक्टेड होते गए। 24 घंटे के अंदर पूरा प्लेनेट इसकी चपेट में आ गया। एक सुपर हीरो इन्फेक्टेड यूनिवर्स से आया और उसने पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। इससे हमें यह पता चलता है कि इन्फेक्टेड सेंट्री किसी और ही डायमेंशन का था। और तब हम देखते हैं अल्टीमेट रीड, जो कि जॉम्बी फैंटास्टिक फोर के सामने खड़ा था। उस पर अल्टीमेट रीड उनसे पूछता है, लेकिन यह सब मेरे ही साथ क्यों किया? मुझे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तब जॉम्बी सू कहती है, ज़रा इसकी बात तो सुनो, लगता है इसे कुछ अंदाज़ा ही नहीं है यहाँ क्यों बुलाया गया इसे। उस पर जॉम्बी रीड अपने दोनों हाथ स्ट्रेच करके अल्टीमेट रीड को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है रेड, हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? हमें यहाँ खाना चाहिए था। तब अल्टीमेट रेड उसके जवाब में अपने आप को स्ट्रेच करके जॉम्बी रेड को पकड़ लेता है। तब जॉम्बी रेड सू से कहता है, सू अपने फोर्स फील्ड का जाल बनाकर इसे पकड़ो। उस पर सू मना कर देती है, ये कहकर कि इसमें तुम भी खत्म हो जाओगे। इसी बात का फायदा उठाकर अल्टीमेट रेड वहाँ से भाग कर एक गटर में चला जाता है। तब थिंग गटर का ढक्कन उठाकर ह्यूमन टॉर्च को उसे लाने को कहता है, और ह्यूमन टॉर्च अल्टीमेट रीड के पीछे लग जाता है। साथ ही रीड से कहता है, तुमने तो कहा था तुम यहाँ सुपर हीरो बनने आए हो। रीड, सुपर हीरो इस तरह भागते नहीं है। ह्यूमन टॉर्च अपनी स्पीड बढ़ाकर अल्टीमेट रीड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, सुपर हीरो फेयरलेस होते हैं। तभी अल्टीमेट रीड स्ट्रेच होकर ह्यूमन टॉर्च के रास्ते से हटकर सीवर की पर से निकल जाता है और सीवर से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है उस दुनिया की तबाही और खुद से कहता है, बेवकूफ हो तुम, अब तुम इससे कैसे बचोगे? तभी वो वेब्स में बन जाता है और हमारे सामने आता है स्पाइडरमैन, और वो आकर कहता है, डेयरडेविल तुमने सही कहा था, ये इनहांस्ड है लेकिन क्लीन और अनइन्फेक्टेड है। तब रीड देखता है सारे जॉम्बी सुपर हीरोज को, जिसमें से थॉर कहता है, कहाँ से आए हो तुम और ये हमसे बच कैसे गया? तभी हरक्यूलस रीड के सामने आकर कहता है, लगता है ये रीड रिचर्ड है लेकिन ये सिर्फ पाइस का है। उस पर दूसरा जॉम्बी कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा ये एक मेटा ह्यूमन है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये हमसे बच गया। तभी एक ज़ोरदार धमाका होता है और सारे जॉम्बीज वहाँ देखने लगते हैं। फिर सामने आता है हल्क और सबको साइड करते हुए आगे बढ़कर कहता है, छोटे इंसानों से ज़्यादा हल्क भूखा है, और वेब्स को तोड़ देता है जिसे रीड रिचर्ड बांधा था, और इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। हल्क आगे कहता है, ये स्ट्रेची बॉडी वो हल्की है। तभी एक बड़ा सा ट्रक आकर हल्क पर गिर जाता है। तब सब ऊपर देखने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया। उस पर कर्नल अमेरिका कहता है कि भागो यहाँ से। तब हम देखते हैं सारी गाड़ियाँ हवा में उड़ रही थी और एक एक करके सारे जॉम्बीज पर गिर रही थी, जिससे सारे जॉम्बीज घायल हो गए। सारे जॉम्बीज के घायल होने के बाद एक आवाज़ अल्टीमेट रीड से कहती है, चलो मेरे साथ, मुझे पता है तुम डरे हुए हो लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और तब हम देखते हैं वो आवाज़ थी अर्थ 2149 के मैग्नेटो की, और वो इन्फेक्टेड नहीं था। और वो आगे कहता है, अब मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। फिर हम देखते हैं अर्थ 1610 की बैक्स्टर बिल्डिंग में, जॉनी सू के लैब में एंटर करते हुए कह रहा था, सू तुमने रीड को कहीं देखा? डैड उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं और वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा। उस पर सू कहती है, वो हमेशा ऑफ ही रहता है जब वो काम करता है, और ऐसे लोगों के लिए दूसरों के पास समय नहीं होता। तुमने उसकी लैब देखी? उस पर जॉनी कहता है, लैब खाली है और वो कल रात से अपने कमरे में भी नहीं गया। तब दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं,
जहाँ जॉनी सुखी ठांग खींचते हुए कहता है, मैंने डैड से कहा था कि हमें पहले तुम्हारा कमरा चेक कर लेना चाहिए। तब सू उसे चुप रहने को कहती है। तभी द थिंग आकर पूछता है, तुम लोगों ने रीड को कहीं देखा? सू द थिंग को बताती है कि उसे कल रात से किसी ने नहीं देखा। सिक्योरिटी कैमराज को चेक करने को कहो। उस पर जॉनी कहता है, फ्रंट डेस्क कहता है कि उसने बिल्डिंग नहीं छोड़ी। प्यारे बहना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक पहेली बनता जा रहा है। उस पर सू कहती है, ये सीरियस है, शायद कुछ बुरा होने वाला है। और रीड के लैब के कोड सीक्वेंस को खोलकर अंदर जाती है। तब उन्हें दिखता है एक टेलीपोर्टर। उस पर जॉनी कहता है, मुझे डैड के पास जाना चाहिए। उस पर सू उसे मना करते हुए कहती है कि वो डैड की वजह से पहले ही काफ़ी मुसीबत में है, अब तो वो उसे काम से ही निकाल देंगे। उस पर द थिंग पूछता है, आखिर यह चीज़ क्या है? तब सू बताती है, मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन शायद ये एक टेलीपोर्टर है। अब हम देखते हैं अल्टीमेट रीड और मैग्नेटो को अपने हाइड आउट की तरफ बढ़ते हुए, जहाँ रीड उससे पूछता है, तुम सच में आखिरी शख्स बचे हो जो इन्फेक्टेड नहीं है? उस पर मैग्नेटो जवाब देता है, नहीं, मेरे अलावा कुछ और भी है, लेकिन तुम्हारे आने से पहले मैं अकेला मेटायोमन था। और एक टनल का स्क्रैप हटा कर कहता है, मैंने इस टनल को एक हाइड आउट में बदल दिया है। ये किसी तरह से परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ रहने और खाने की फैसिलिटी है। उस पर रीड पूछता है, उन इन्फेक्टेड लोगों को इसके बारे में नहीं पता? उस पर मैग्नेटो कहता है, नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा और वो तब हमें मार देंगे। टनल में आगे बढ़ते हुए रीड उससे पूछता है, तुम ऐसे कब से रह रहे हो? तब मैग्नेटो बताता है, कहना मुश्किल है, शायद 2 या 3 दिन हो गए। पहला इन्फेक्टेड 3 दिन पहले देखा गया था। उस पर रीड चौंक जाता है। तभी उन बच्चे लोगों में से एक रीड की तरफ गन पॉइंट करके एक लेडी खड़ी होती है। उस पर मैग्नेटो कहता है, ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये हमारे साथ है। उस पर उस लेडी को यकीन नहीं होता। तब रीड बताता है, सच में मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, उनमें से कुछ ने मुझे काटने की कोशिश की लेकिन काट नहीं पाए। तब मैग्नेटो उन सबको इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, रीड, यह डैनी और मिंडी ग्लाइडवेल। डैनी एक इंश्योरेंस सेल्समैन है और मिंडी एक डायबिटिक और उसका इंसुलिन भी खत्म हो चुका है। डैनी मैग्नेटो से पूछता है, तुमने हॉस्पिटल में तुम्हें कुछ मिला? तब मैग्नेटो बताता है, मुझे रीड हॉस्पिटल के रास्ते में मिल गया, पर चिंता मत करो, हम वापस हॉस्पिटल जाकर मेडिसिन ले आएंगे। और आगे कहता है, यह ऑफिसर केली, तुम मिल ही चुके हो। तब रीड पूछता है, तुम ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स के लीडर थे, तुम्हें तो आम लोगों से नफरत थी। उस पर मैग्नेटो जवाब देता है, ऐसी सिचुएशन में ये सब देखने का कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया का अंत नज़दीक है और वैसे भी बेकर्स को चुनने का अधिकार नहीं होता, और इसलिए जो है वो यही है। तब डैनी पूछता है, तुम कहाँ से हो? मैग्नेटो उस पर कहता है, मुझे भी यही जानना है, तुम किसी के रिलेटिव हो? तब रीड बताता है, नहीं, बल्कि ये सुनने में अजीब लगेगा कि मैं एक पैरेलल रियलिटी से हूँ और यहाँ के फैंटास्टिक फोर ने मुझे धोखे से यहाँ बुला लिया। केली कहती है, ये क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब मैग्नेटो रीड से पूछता है, तुम कह रहे हो तुमने तुम्हारी दुनिया से हमारी दुनिया तक एक गेटवे बनाया और तुमने उन इन्फेक्टेड को रास्ता दे दिया पैरेलल रियलिटी में जाने का? तब रीड चौंक कर कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तभी उन्होंने मुझसे ये काम करवाया। अब हमें जल्द से जल्द बैक्स्टर बिल्डिंग जाकर उन्हें ब्रिज खोलने से रोकना होगा। तब मैग्नेटो कहता है, मेरे भोले रीड, अब तक बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी दुनिया अब तक मर चुकी होगी। तब हमें दिखती है अर्थ 1610 के अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर टेलीपोर्टर के सामने खड़े हुए थे, जहाँ कोई टेलीपोर्ट हो रहा था। तब थिंग सबसे कहता है, पीछे हटो, और सू पूछती है, रीड, क्या ये तुम हो? हमें दिखते हैं जॉम्बी फैंटास्टिक फोर जो कि टेलीपोर्ट होकर आए थे, और जॉम्बी रीड अल्टीमेट सू के सवाल का जवाब देते हुए कह रहा था, नॉट एग्जैक्टली। यहीं पर ख़त्म होता है जॉम्बी ओरिजिन एपिसोड 4। क्या अब अल्टीमेट वर्ल्ड भी इन्फेक्टेड हो जाएगा या फिर अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर उन्हें रोक पाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ और धन्यवाद।